नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। यदि आपने पक्षी पाला है तो पक्षी के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी जरूर होनी चाहिए, उसकी एनाटॉमी के बारे में। यदि आपको उसकी एनाटॉमी की जानकारी होगी तो आप अपने पक्षी के स्वास्थ्य के बारे में और ज़्यादा अच्छे से जान सकते हैं कि उसमें किस प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस है या उसका कौन सा ऑर्गन कैसे किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले आपको पक्षी की बीक की जानकारी होती है। आपने देखा होगा हर पक्षी की चोंच का आकार डिफरेंट डिफरेंट होता है। ये डिपेंड करता है कि नेचर ने हर पक्षी को उसकी बीक का एक आकार दिया है। वो कार्निवोरस है, हर्बीवोरस है, किस टाइप से, उसी प्रकार की उसकी बीक या किस प्रकार का दाना खाता है वो। यदि फ्लैश खाने वाला है तो उसकी बीक, जैसे आप ईगल्स वगैरह देखें, उसकी बीक का शेप बिल्कुल डिफरेंट होगा। दाना खाने वाला है जैसे कबूतर है, उसकी बीक का शेप आप बिल्कुल डिफरेंट देखेंगे। या पैराकीट्स के केस में आप देखेंगे, जैसे बजरी के केस में चोंच बिल्कुल छोटी होती है, मैकाऊ के केस में जो बीक का साइज है काफ़ी बड़ा होता है। यानी नेचर्स ने बीक का साइज हर पक्षी का अलग अलग दिया हुआ है, इसलिए आपको पक्षी की हर बीक की जानकारी होनी चाहिए। ये नेचर ने फिक्स किया हुआ है कि किस पक्षी की बीक कैसे बनाई है, ये नेचर ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है। इनका जो टॉप वाला हिस्सा है उसको सियर बोलते हैं। आपको वहाँ पे दो नॉस्टिल देखेंगे, नॉस्टिल्स में, यानी हम उसको नोज भी कह सकते हैं, वहाँ से जो बर्ड्स को जो है सांस लेने में, रेस्पिरेशन में काफ़ी मदद मिलती है। दूसरा जो बर्ड्स का ऑर्गन है आँखें। आँखें जो है बर्ड्स का एक सबसे मेन ऑर्गन होता है, और आप देखेंगे कि बर्ड्स की जो विजिबिलिटी होती है ह्यूमन के कंपेरिजन में 5 times मोर ज़्यादा होती है, क्योंकि बर्ड्स अपने शिकार को काफ़ी ऊंचाई से ही जो देख लेते हैं और उस पर झपट पड़ते हैं। इसी प्रकार दूसरे बर्ड्स जो है अपने खाने को काफ़ी ऊंचाई से देख लेते हैं और उसको, इसलिए आप ये कह सकते हो कि जो बर्ड्स का विज़न होता है, जिनको रेटिना होता है, वो काफ़ी डेवलप होता है इन कंपैरिजन टू ह्यूमंस। नेक्स्ट जो ऑर्गन है बर्ड्स के, आपने पंख देखा होगा, पक्षी के दोनों साइड में पंख होते हैं। जैसे ह्यूमंस में हैंड्स होते हैं, ऐसे ही पक्षी में जो आगे वाले हाथ होते हैं वो जो है विंग्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं। यानी पक्षी को उड़ने में या वापस जमीन पर आने में या अपने शिकार को पकड़ने में ये अपने पैरों की मदद लेते हैं, या कोई भी खाना खाते हैं उसको अपने पैरों से पकड़ खाते हैं। इसलिए पक्षी के शरीर का सबसे जो मजबूत हिस्सा हम उसके पैरों को मानते हैं। पक्षी की जो पूंछ होती है पक्षी को उड़ने में काफ़ी मदद करती है। यानी जब पक्षी फ्लाई करता है तो उसकी बॉडी को बैलेंस करने के लिए पक्षी की पूंछ का काफ़ी बड़ा रोल होता है। जैसे एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन विंग्स होती है, ऐसे पक्षी उड़ते वक्त जो पक्षी की पूंछ होती है उसको डायरेक्शन का काम करते हैं। दूसरा, जब पक्षी काफ़ी उड़ता है तो उसको ज़्यादा सांस लेने या लंग्स के द्वारा ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। उस कंडीशंस में जो है लंग्स एक्सपेंड हो जाती है, पूंछ के जो उसकी जो मसल्स होती हैं वहाँ पर भी वो लंग्स को एक्सपेंड कर देते हैं। पक्षी जो है काफ़ी इनहेलेशन है, काफ़ी जो एयर को जो अंदर इनहेल कर लेता है। इस प्रकार पक्षी को काफ़ी अंदर एयर इनहेल करने में भी जो पक्षी की पूंछ है वो काफ़ी मदद करती है। इससे जो है पक्षी का स्टेमिना जो काफ़ी बढ़ जाता है। पक्षी के शरीर में एक ओपनिंग होती है, एनल ओपनिंग जिसको बोलती है। एनल ओपनिंग में क्या होता है, पक्षी बीट और अपना फीकल मेटल एक जगह से पास करता है। ये नेचर के द्वारा दी हुई एक ओपनिंग है, जिसकी जानकारी भी जो हमें होनी चाहिए कि पक्षी अपना जो वेस्ट मेटल है कहाँ से एक्सक्रीट करता है। अभी मैंने आपको बर्ड्स के सुपरफिशियल ऑर्गन्स के बारे में बताया है, इन ऑर्गन्स की भी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। अब मैं आपको बर्ड्स की इंटरनल एनाटॉमी के बारे में बताऊंगा, यानी बर्ड्स के जो इंटरनल ऑर्गन्स है, लंग्स, लीवर, हार्ट, किडनी, इंटेस्टाइन, ब्रेन, ये सब कैसे काम करते हैं। क्योंकि यदि आप बर्ड्स पालते हैं तो आपको उसके इंटरनल ऑर्गन्स की थोड़ा बहुत तो जानकारी होनी चाहिए, ताकि यदि किसी प्रकार का कोई ऑर्गन इन्वॉल्व है या उसमें आप कुछ सिम्टम्स देखते हो तो आप एक आइडिया लगा सकते हो कि आपका पक्षी हो सकता है किसी लीवर हेपेटाइटिस है, उसमें लीवर में कोई इन्फेक्शन हो गया है या कोई GI ट्रैक्ट में इन्फेक्शन, उसके सिम्टम्स से आप पता लगा सकते हैं। इसलिए इंटरनल ऑर्गन्स की एक एनाटॉमी का भी आपको क्लियर इमेज आपके अंदर होनी चाहिए, या आपको उसकी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले पक्षी का ब्रेन, यानी जो माइंड होता है पक्षी का, काफ़ी शार्प होता है। पक्षी काफ़ी इंटेलिजेंट इसलिए होते हैं क्योंकि ब्रेन की वजह से। आपने देखा होगा पक्षियों की लर्निंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। आप जो भी चीज़ उसको सिखाते एक बार वो बहुत जल्दी से कैच कर लेता है, और एक बार जो उसने लर्न कर लिया होल लाइफ उसको भूलता भी नहीं है। और इसी लर्निंग कैपेसिटी की वजह से लोग जो है पक्षियों को पालते हैं। अफ्रीकन ग्रे पैरट्स में ये लर्निंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उसने जो एक बार चीज़ सीख ली, या आप कहते हैं उसकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत जल्दी होती है।
इंग्लिश के काफी बड़े बड़े सेंटेंस जो अफ्रीकन ग्रे पैरेट है एक बार में ही लर्न कर जाता है, तो पक्षियों के अंदर जो ब्रेन है काफी होता है। दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड, यानी पक्षी के सिर से लेकर टेल तक एक स्पाइनल कॉर्ड होती है जो कि पूरे पक्षी के ढांचे को एक सिरे में पिरो करके रखती है। स्पाइनल कॉर्ड से जो है पक्षी को उसकी शेप प्रॉपर मिलती है, और स्पाइनल कॉर्ड की वजह से ही पक्षी की मूवमेंट अप एंड डाउन होती है, और बाकी के जो दूसरे ऑर्गन्स है या स्पाइनल कॉर्ड्स में आप ये कह सकते हो नर्व्स, आर्टरीज, वेन्स वगैरह होती हैं, या कोई भी मैसेज ब्रेन से लेके टेल तक अगर कोई जाना हो तो इन स्पाइनल कॉर्ड्स के थ्रू जो पूरे बॉडी में जो फैल जाता है। ईसोफेगस जो होती है एक ट्यूब जैसी संरचना होती है, यानी बर्ड्स जो भी कोई खाता है मुंह के थ्रू वो सीधा जो डायरेक्ट ईसोफेगस यानी पाइप जैसी संरचना होती है वो सीधा जो क्रॉप में चली जाती है, यानी बर्ड्स जो भी खाया वो क्रॉप में जाकर इकट्ठा होता है। क्रॉप एक थैली जैसी संरचना होती है जो आप कई बार देखोगे जब बर्ड्स जब दाना खा लेता है या आप उसको सरलेक फीड करते हैं तो एक बॉडी के आगे की तरफ एक बैलून जैसी स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा उसको क्रॉप बोलते हैं, उसमें जो है फूड स्टोर होता है। इसका जो कनेक्शन होता है डायरेक्ट ईसोफेगस से माउस के थ्रू क्रॉप के अंदर जाके जो फूड है वो सारा स्टोर हो जाता है। आपको इस ऑर्गन की भी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि कई बार क्या है क्रॉप के अंदर जो फूड स्टोर हो जाता है आपका बर्ड्स डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो आपको यदि आपको जानकारी है कि ये बर्ड्स का क्रॉप है तो आप उसको यदि किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट देना है या डॉक्टर को उसके बारे में बताना है कि फूड डाइजेस्ट नहीं है तो आपको इसकी इस ऑर्गन की या बर्ड्स की इस एनाटॉमिकल ऑर्गन की भी जानकारी आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बर्ड्स में जो है लंग डिफ्यूज होती है, यानी बर्ड्स जो डायरेक्ट एयर को डिफ्यूज कर देते हैं पूरी बॉडी में जो सर्कुलेट कर देते हैं। क्रॉप मैंने आपको बता दिया उसमें बर्ड्स जो है अपने खाने को स्टोर करके रखता है, और खाने को वहाँ पे जब वो स्टोर करके रहता है तो उसको थोड़ा जो है सॉफ्ट कर देता है। सॉफ्ट करने के बाद क्रॉप से जो आगे वो है आगे बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में ट्रांसमिट हो जाता है। क्रॉप से भोजन जो है फिर गिजार्ड के अंदर हो जाता है। गिजार्ड जो है काफ़ी हार्ड होती है, वहाँ की जो मसल्स होती हैं जो आपने बर्ड्स ने जो खाना खाया उसको जो काफ़ी लुब्रिकेट कर देती है, यानी काफ़ी डाइजेस्टिव बना देती है। गिजार्ड्स से जो फूड है जीआई ट्रैक में चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में, वहाँ पर भी जाकर के जो है जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उस खाने में बर्ड्स वहाँ से उसको एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी में फैला देता है, और जो वेस्ट मटेरियल के थ्रू जो है गिजार्ड से फिर आगे इंटेस्टाइन से वो जो है आगे एनस में या बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल के थ्रू जो है बाहर निकल जाता है। बर्ड्स के शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो जो है लीवर के द्वारा जो प्योरीफाई होते हैं, यानी लीवर्स उन टॉक्सिन्स को रिमूव कर करके बॉडी से जो है बाहर फेंकता है, इसलिए लीवर का भी जो है बर्ड्स की बॉडी में जो ऑर्गन उसका काफी बड़ा रोल। किडनी का जो काम होता है बर्ड्स में फिल्ट्रेशन का होता है, यानी किडनी बर्ड्स के मेन ब्लड प्यूरिफायर का काम करती है। बर्ड्स में जितने भी फिल्ट्रेशन का काम है वो किडनी ही करती है। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि बर्ड्स की एनाटॉमी के बारे में, ताकि आपको बर्ड्स की हर ऑर्गन की पूरी जानकारी होगी, तो यदि उसकी किसी भी ऑर्गन में कोई डिफेक्ट आता है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से डायग्नोज करके या अपने डॉक्टर को जो है सही जानकारी दे सकते। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।